नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको टाटा स्काई का सिग्नल सेट करना बताऊंगा। अगर आपके घर पर भी टाटा स्काई का कनेक्शन लगा हुआ है और उस पर भी कभी कभार आपको नो सिग्नल का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो आप उसे दोस्तों घर पर ही ठीक कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ में। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप टाटा स्काई का सिग्नल घर पर ही सेट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास एक सिंपल सा नॉर्मल सा जो कीपैड मोबाइल होता है, अगर दोस्तों वह भी आपके पास है, तब भी आप टाटा स्काई का सिग्नल बड़ी आसानी के साथ में सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कि टाटा स्काई का सिग्नल हम किस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ में घर पर ही सेट कर सकेंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको अपना टाटा स्काई ऑन कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपको अपने टाटा स्काई से साउंड बढ़ा देना है। तो आप सुन सकते हैं कि आपको एक साउंड सुनाई दे रहा है कि आपका टाटा स्काई का सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है। अब दोस्तों आप सिग्नल किस प्रकार से सेट करेंगे, तो आपको सबसे पहले एक फोन लेकर और आपको एक दूसरे फोन पर दोस्तों कॉल लगाकर और एक फोन को आपको रख देना है इस प्रकार से। और अब दोस्तों हम चलते हैं डिश एंटीना की तरफ। अब दोस्तों आपको एक मोबाइल अपने पास रखना होगा एक दूसरे मोबाइल से कॉल करके। जैसे दोस्तों आपने देखा, मैंने एक मोबाइल टीवी के पास में रख दिया है और आप दोस्तों यहाँ सुन सकते हैं कि आपका एक आवाज़ सुनाई दे रहा है। और अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह जो LNB का पोजीशन है तो आपको चेक करना है। इसे आपको एकदम इस प्रकार से नीचे रखना होगा और इसके बाद आपको अपने डिश एंटीना को मूव करना होगा। और अभी दोस्तों आप सुन सकते हैं कि यह जो आवाज़ आ रहा है, जैसे ही आप डिश एंटीना को मूव करेंगे तो दोस्तों यह साउंड जो है आना बंद हो जाएगा। आपको डिश एंटीना को उतने पर ही छोड़ देना है। तो अब मैं डिश एंटीना को मूव करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने डिश एंटीना को जैसे ही मूव किया तो यहाँ से साउंड आना हमारा बंद हो चुका है। और अब दोस्तों आप सुन सकते हैं कि हमारा टाटा स्काई पर सिग्नल आ चुका है और दोस्तों आप सुन भी सकते हैं। और अब दोस्तों हम चलते हैं टीवी स्क्रीन की तरफ। और अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने डिश एंटीना को मूव किया और हमारा दोस्तों साउंड आना बंद हो चुका था, इसके बाद हमारा टाटा स्काई का चैनल चालू हो चुका था। और आप देख सकते हैं कि सिग्नल भी अब दोस्तों रिसीव हो चुका है। और यह दोस्तों बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर आपको टाटा स्काई का सिग्नल सेट करना है तो आपको क्या करना होगा कि एक मोबाइल से आपको कॉल लगाकर और टीवी के पास में दोस्तों आपको मोबाइल रख देना है, जिससे कि आपको दूसरे मोबाइल पर साउंड आपको सुनाई देगा। और जैसे दोस्तों आप डिश एंटीना को मूव करेंगे और आपका साउंड आना बंद हो जाएगा, आपको वही डिश एंटीना को टाइट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपको टाटा स्काई का सिग्नल रिसीव हो जाएगा। दोस्तों यह एक आसान प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों नमस्कार।